हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ कोई काम करोगे? तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, तुम मतलब यू, और यू के साथ विल लगेगा, इसलिए यहाँ पे विल लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है तुम के लिए यू लगाएंगे। उसके बाद में नॉट लगाना है, तो फ्रेंड्स सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म करोगे, करोगे मतलब करना होता है डू, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डू लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे बचा है वहाँ और कोई काम। तो फ्रेंड्स, वहाँ एक स्थानवाचक शब्द है, इसको लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद में बचा है कोई काम के लिए एनी वर्क लिखेंगे, उसके बाद में वहाँ के लिए देयर लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, विल यू डू एनी वर्क देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं कल नहीं आऊँगा? तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आई के साथ शैल लगता है, इसलिए यहाँ पे शैल लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई लिख दिया। उसके बाद में नॉट लगाना है, तो फ्रेंड्स सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म किसकी लगेगी, आऊँगा मतलब आना होता है कम, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम लिख दिया। उसके बाद में बचा है कल के लिए लिख देंगे टुमारो। इस तरह से सेंटेंस हो गया, सैल आई नॉट कम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या माता जी आज भोजन नहीं पकाएंगी? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लगाना है, विल या शैल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माताजी आ रहा है, मतलब विल लगेगा, तो फ्रेंड्स विल लगा दिया। उसके बाद में माताजी सब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दामादर लिख दिया। उसके बाद में नॉट लगाना है, तो फ्रेंड्स सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा देंगे। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म किसकी लगेगी, पकाएंगी मतलब पकाना होता है कुक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुक लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बचा है, आज और भोजन, तो फ्रेंड्स आज एक समय है, इसको लास्ट में लिखेंगे। बचा है भोजन के लिए फूड लिख देंगे, लास्ट में बचेगा आज के लिए टुडे लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या यह धोबी रविवार को कपड़े नहीं धोएगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लगाना है, विल या शैल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह धोबी सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे विल लगेगा, विल लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, यह धोबी, तो फ्रेंड्स इसके लिए लिख देंगे दिस वॉशरमैन। उसके बाद में फिर नॉट लगाना है, तो फ्रेंड्स सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए नॉट लगा देंगे। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म मतलब धोएगा मतलब धोना होता है वॉश, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वॉश लिख दिया। उसके बाद में बचा है रविवार को और कपड़े, तो फ्रेंड्स रविवार को ये एक समय है, इसको लास्ट में लिखेंगे। बचा है कपड़े के लिए क्लोथ्स लिख दिया। अब बचा है रविवार को, इसके लिए ऑन संडे लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, विल दिस वॉशरमैन नॉट वॉश क्लोथ्स ऑन संडे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।